नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में भी इसे थोड़ा लेंदी करके पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतने से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये जो तीन जो टॉपिक है ये एक ही चैप्टर का तीन टाइप है दोस्तों, और सिर्फ एक वीडियो में ये तीनों टाइप आज आपको बताऊंगा। और इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, कंसेप्ट है। सिर्फ एक कंसेप्ट से, एक ट्रिक से मैं तीनों के तीनों टाइप को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों डिजिट कोडिंग, सिंबॉलिक कोडिंग यानी कि कोई आपको सिंबल दे दिया जाएगा और उसे कुछ भी कहा जा सकता है, और वर्ड आपको वर्ड कोडिंग भी दिया जाएगा, मतलब अलग लैंग्वेज यूज किए जाएंगे, स्पेनिश फ्रेंच या इटालियन वर्ड यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसको ज्यादा बोलने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाऊं तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप चुटकियों में इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला टाइप और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके बिल्कुल सामने है। देखिए कहा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, कहा गया यदि किसी कूट भाषा में ओका पेरू का अर्थ है फाइन क्लोथ। तो देखिए दोस्तों, ये ओका पेरू का मतलब फाइन क्लोथ, ये देखिए किसी और लैंग्वेज में दिया गया, यानी ये मैं कह सकता हूं लैंग्वेज कहिए या वर्ड का कोडिंग कहिए। तो ये देखिए अलग अलग भाषा में दे दिया जाता है और उसका हमें जिस भाषा में अंग्रेजी या हिंदी में जो मीनिंग समझ में आए वो यहां पर दे दिया जाता है। उसी प्रकार मेटा लिसा का अर्थ है क्लियर वाटर और डोमा लिसा पेरू से मतलब है फाइन क्लियर वेदर। तो वेदर का कोड आपसे पूछा जा रहा है और चार आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, वर्ड का कोडिंग या लैंग्वेज कोडिंग। तो देखिए मेरे बच्चों, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो पहले मैं ये पहला क्वेश्चन है, टाइप आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा है। अगले वाले क्वेश्चन से मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको किसका कोडिंग क्या है बस मैं वो लिख दूंगा, क्वेश्चन आप इससे समझ जाएंगे और मैं तुरंत आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर वन हमें करना क्या है ना मेरे बच्चों, तो चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए मैं पहले लिखता हूं, जिसे जिसका अर्थ कहा गया उसके नीचे लिखिए। जैसे देखिए यहां पर कहा गया है ओके, एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूं दोस्तों ताकि नया बच्चा भी आसानी से सीख पाए। तो देखिए यहां कहा गया ओका पेरू, हमने यहां लिख दिया ओका पेरू, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, फाइन क्लोथ। तो देखिए अब मैं यहां पर इसके नीचे कोडिंग लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया फाइन क्लोथ। मगर ये कोई जरूरी नहीं कि ओका का मतलब फाइन हुआ या पेरू का मतलब फाइन हुआ, ये इंटरचेंज मीनिंग हो सकता है। तो हमें तो क्लियर पता नहीं है क्योंकि हम इस लैंग्वेज को जानते नहीं है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए मेटा लिसा, फिर से यहां पर लिख दो मेटा लिसा। मेटा लिसा का अर्थ दिया गया है मेरे बच्चों क्या, क्लियर वाटर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्लियर वाटर। उसके बाद कहा गया है डोमा लिसा पेरू, तो अब यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए इसे डी ओ एम ए, डोमा लिसा पेरू, ठीक है। तो अब देखिए इसे क्या कहा गया, फाइन क्लियर वेदर। अब देखो मेरे बच्चों, ट्रिक बहुत जानदार है, एकदम अच्छे से समझना। अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन लिया हूं और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है आरआरसी रांची में। तो देखिए इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो देखो बच्चों, स्टेप नंबर वन हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम इसे अगर मैं चाहूं तो नंबरिंग भी कर सकता हूं, शीर्षक जो दिया है हेडिंग वन टू और ये थ्री जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैच करना है वन और टू को, क्या करना है मैच करना है। जैसे क्या है हेडिंग देखिए ओका पेरू और यहां देखो पढ़ो इसे मेटा लिसा। तो अब जब हमने इसे मैच किया तो देखो हमें कोई भी यहां पर ना तो टाइटल और ना ही उसका मीनिंग जो भी है कोई कॉमन मिला हो, वैनिश्ड नहीं मिला। तो यानी वन और टू को लेने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, दो और तीन को मैच करेंगे। तो देखिए यहां दिया है मेटा लिसा, यहां दिया है डोमा लिसा पेरू। तो देखो यहां लिसा यहां पे और यहां लिसा, देखो दोनों सेम सेम मिल गया ना। तो जरूर जब ये सेम सेम मिला है तो कोई ऐसा शब्द तो जरूर होगा जो लिसा के लिए बना होगा और इन दोनों में होगा, तो उसे ढूंढिए। तो ये है क्लियर वाटर और ये है फाइन क्लियर वेदर। तो देखो यहां क्लियर और क्लियर देखो सेम मिल गया ना मेरे बच्चों।
तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि लीसा का मतलब हो गया क्लियर। समझ में आया लीसा का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? क्लियर। अगर आप अभी लर्निंग स्टेज में है तो आप इसे लिख के ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाते समय आप इसे लिख करके मीनिंग पूरा निकालना सीखिए। लीसा का मतलब हो गया मेरे बच्चों क्लियर। उसके बाद अब देखिए, वन टू मिलाया, टू थ्री मिलाया, अब हम थ्री और वन को मैच करेंगे मेरे बच्चों, थ्री और वन को। तो थ्री में देखो क्या है, डोमा लीसा पेरू, तो लीसा तो अब मिल गया, अब हम पढ़ना नहीं है, डोमा और पेरू है, यहाँ ओका और पेरू है। तो अब मेरे बच्चों देखो, यहां पर हमें पेरू और पेरू कॉमन मिल गया ना, पेरू और पेरू। अब देखिए, इसे और अच्छे तरीके से करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, इसी में बता देता हूं। देखिए, सबको अगर आप सर्कल करेंगे या ओवल शेप में करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन किसका मीनिंग है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में लिखना ही ना पड़े, तो इससे बचने के लिए सबको अलग अलग शेप देते जाइएगा। तो जैसे देखो, मैंने यहां देखा कि पेरू पेरू मैच कर रहा है, तो इसे मैंने ट्रायंगल कर दिया, तो यहां भी मैंने ट्रायंगल कर दिया पेरू पेरू। अब देखो, फाइन क्लोथ फाइन वेदर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पेरू पेरू मिला तो हमें फाइन और फाइन मिला, तो यहां पर देखो मैं इसे भी ट्रायंगल में घेर दूंगा। तो इससे क्या मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल वाले शेप का मीनिंग ट्रायंगल वाले शेप का ही है। तो देखो, पेरू का मतलब हो गया फाइन, और ये सर्कल वाला या ओवल शेप का लीजा का मतलब हो गया क्लियर। तो अब पूछा जा रहा आपसे, क्या पूछा गया, वेदर का अभिप्राय क्या है? तो मेरे बच्चों देखो, वेदर, तो यहां देखो फाइन क्लियर वेदर, वेदर सिर्फ एक ही में हमें मिला है, और ये देखो वेदर है, तो ये वेदर का कोड क्या हो जाएगा? देखो यहाँ लीसा हो गया, पेरू हो गया, तो ऑब्वियसली ये डोमा होगा। तो देखो यहां पर मैं इसे सर्कल में, सर्कल माफ कीजिएगा, रेक्टेंगल से बदला दे रहा हूं। तो देखो हमें मिल गया डोमा का क्या हो गया, वेदर। तो आपसे पूछा वेदर का क्या कोड होगा, तो डोमा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे ही बात समझ में बच्चों? चलिए, जिनको समझ में नहीं आया घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन को देखते जाइए ध्यान से। जहां समझ में ना आए तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप देख करके सिर्फ एक ही वीडियो में ये तीनों टाइप आसानी से सीख सकते हैं मेरे बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज या वर्ड से ही, कोडिंग से ही है, आरआरसी 2014 हाजीपुर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां, अब मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करना, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन इस तरह से था कि इसकी आरपीएसट्री टीआरआईट्राई का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग, टे एसटी आरपीएस का अर्थ है एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग, इसकी पीटीआरक्यूएलएम का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस। बात समझ में आ गई क्वेश्चन? तो मैंने उतना क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं समझा, बस कोडिंग पढ़ के आपको ऐसे ही लिखना है, तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करता हूं, कोई बाकी तो आप समझदार है, क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिख दिया इस तरीके से। अब कहा जा रहा है कि संडे का कोड आपको बताना है। तो देखो मेरे बच्चों, मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, वन टू, और ये हो गया आपका थ्री। अब देखो मिलाओ, वन टू को मैच करते हैं, इसकी आरपीएस ट्री ट्राई टे इसकी आरपीएस। तो देखो यहां आरपीएस और आरपीएस मैच कर गया, यानी कि इसका जरूर कोड नीचे मैच करेगा, नाइस संडे मॉर्निंग एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग। तो देखो यहां मॉर्निंग मॉर्निंग मिल गया, तो देखो हमने यहां इसे सर्कल कर दिया। अब मेरे बच्चों दो और तीन को मैच करो जल्दी से, टे एस टी आरपीएस, आरपीएस तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो कोड मिल ही गया है, तो टे एस टी इसकी पीटीआर क्यू एल एम। तो देखो इसकी मिल गया, अब अलग अलग शेप देना मेरे भाई, अलग अलग शेप देना, इस्टी, और यहां पर आपको मिल गया है, तो माफ कीजिएगा ये एसटी है और ये एस के आई है, तो यहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोड नहीं मिला, माफ कीजिएगा ये मैच नहीं हुआ मेरे भाई। तो एस टी आई है और ये एस के आई है, तो यहां नहीं मिला मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, तो चलिए वन और थ्री को मैच करते हैं। अक्सर एग्जामिनर ऐसा करता है कि सीरियल वाइज एक ही मैच करेगा और एक मैच नहीं करता है, तो चलिए हम वन और थ्री को मैच करते हैं। तो देखो इसकी आरपीएस ट्री, तो देखो यहां पर क्या, इसकी इसकी मिल गया, माफ कीजिएगा ये सर्कल को हटा करके मैं ट्राइंगल कर देता हूं, इसकी इसकी मिल गया। तो अब देखो नाइस मॉर्निंग और ये नाइस मार्केट प्लेस, यानी नाइस नाइस हमें मिल रहा है ना भाई, मिल गया। तो देखो यहां पर नाइस नाइस मिल गया, तो हमें क्या कर देना है मेरे बच्चों, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर जब नाइस नाइस मिल गया है,
अच्छा, और एक मिस्टेक हमने कर दिया है मेरे भाई, देखिए माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। आरपीएस आरपीएस मिला तो मॉर्निंग मॉर्निंग मिला था, तो मॉर्निंग को अंडरलाइन करना था, ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया, संडे को भूल से कर दिया था। तो देखो जैसे ही हमें इसकी नाइस मिल गया, तो देखो यहाँ संडे सिर्फ खाली रह गया और टी आर आई ट्राई खाली रह गया, तो यानी कि ट्राई क्या होगा, संडे का कोड होगा, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा टी आर आई। देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया, थोड़ा सा अभ्यास करिए मेरे बच्चों, इसे सीख करके घर में प्रैक्टिस करिए, एक नंबर आपका आर आर बी में और एस एस सी में पक्का हो जाएगा। तो मजा आ गया दोस्तों, तो ये लैंग्वेज वाले हैं, बहुत क्वेश्चन है, किसी भी बुक को उठाओ और सॉल्व करते जाओ। अब चलिए हम चलते हैं डिजिट वाले कोडिंग की तरफ, कि इसी प्रकार से डिजिट का कोड कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके बिल्कुल सामने है, और ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी टीसीसीसी 2004 का क्वेश्चन है, सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये है, देखिए यहां पर अभी लैंग्वेज था, अब यहां पर डिजिट आ गया। कहा जाएगा क्वेश्चन ये होगा कि 247 का अभिप्राय है स्प्रेड रेड कार्पेट, 236 का मतलब है या अर्थ है या अभिप्राय है डस्ट वन कार्पेट, और 234 का अभिप्राय है वन रेड कार्पेट, तो डस्ट का कोड बताएं। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो चलिए आइए लेट नहीं करते हैं, फटाफट हम लोग इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखो 247 236, यहां पर 2 मिला, यहां भी 2 मिल गया, तो स्प्रेड रेड कार्पेट डस्ट वन कार्पेट क्या मिला हमें, सेम सेम, तो कार्पेट कार्पेट, तो देखिए यानी 2 का कोड क्या हो गया, कार्पेट हो गया। उसके बाद आ जाइए 2 और 3 में, तो देखो 236 234, तो मेरे बच्चों यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ 2 2 2 का तो कोड हमें पता चल गया, कारपेट कारपेट, तो उसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, सेम ज्योमेट्रिकल फिगर से घेर दीजिए। तो अब देखिए अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3 और 3 मिल रहा है कॉमन, तो 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो कौन सा वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो देखो यानी 3 को ऐसे घेर दो 1, ये भी हो गया, और ये 1 आपका ऐसे यहाँ घेर दो, तो यानी कि 3 का मतलब आपका क्या हो गया मेरे बच्चों, 1 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, डस्ट का कोड बताइए, तो मेरे भाई ये देखो यहाँ पर 1 हो गया, कार्पेट हो गया, डस्ट बचा है, तो कौन सा डिजिट बचा है, 6, यानी कि डस्ट का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो देखो कितनी चुटकियों में अब सॉल्व होने लगा ना, अब मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए और 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों ये अब क्वेश्चन धांसू आपके सामने आ गया है, और ये भी आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड 2004 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ये नहीं कि 2004 है, और भी एसएससी वगैरह में ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 1 2 3 को ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का मतलब टॉल बिग बॉय, और 6 3 7 का मतलब ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट का कोड बताएं। अब तो आप लोग सक्षम है करने में, तो चलिए मैच करते हैं, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ भी हमें 1 मिल गया, तो क्या सेम मिल रहा है, ब्राइट लिटिल बॉय टॉल बिग बॉय, तो यानी 1 का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, बॉय हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 और 3 को मैच करो 1 4 5, तो 1 1 हटा दो, 4 5 6 3 7 कुछ भी मैच नहीं किया, तो नहीं करेंगे मेरे भाई। आप देखो 1 नंबर और 3 नंबर टॉपिक को जरा मैच करो हेडिंग को, तो देखो 2 3 6 3 7, तो देखो यहाँ पर 3 मिल गया, इसे ट्रायंगल से घेर दो, अलग शेप कुछ भी दे दो, ये 3 मिल गया, तो अब देखो ब्राइट लिटिल और ब्यूटीफुल लिटिल, यानी लिटिल का मतलब हो गया 3, तो लिटिल का मतलब हो गया 3, तो आपसे पूछा गया ब्राइट, तो देखो ब्राइट कहाँ दिया है मेरे भाई, यहाँ, तो जब ब्राइट आपका किसी घेरे में नहीं है, तो ठीक उसी के ऊपर कौन सा डिजिट किसी घेरे में नहीं है, तो देखो 2 किसी घेरे में नहीं है, यानी कि इसका मतलब हो गया, ब्राइट का मतलब हो गया 2, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आ गई बात समझ में, अब ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, ये आपका 2 टाइप कंप्लीट हो गया, 1 टाइप और रह गया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ 1 2 3 के जगह में आपको चांद तारा ट्रायंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम स्क्वायर कुछ भी बना दिया जाएगा, समझ में आई बात, उसे ही हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो वो 1 टाइप बच गया। आइए 2-4 क्वेश्चन उसके भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए मेरे बच्चों एक ही क्वेश्चन में 2 2 क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है, इसी से ही हम पिक्चर पूरा क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कहा जाएगा कि जैसे ये तीनों सिंबल आपको दे दिया, ट्रायंगल रेक्टेंगल और एक अपर एरो, कहा जा रहा है इसका मतलब है मोहन इज वॉकिंग, तो हमने इसके नीचे ही इसे सजा के लिख लिया, इतना तो आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद है अपर एरो रेक्टेंगल और डॉट, राम इज वॉकिंग, और डॉट प्लस और ट्रायंगल का मतलब है मोहन एंड राम, तो अब आपसे पूछा जा रहा है मोहन का कोड बताइए और इज का कोड बताइए, तो आइए देखिए कंसेप्ट एक ही है,
मगर क्वेश्चन अनेक हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मगर एक ही कंसेप्ट से बता रहा हूं कि नहीं बच्चों, आ रही बात समझ में? सिर्फ एक ही कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेते हो। ज्यादा 10 तरह के कंसेप्ट को सीख के कोई फायदा नहीं है, एक को रखो, उसी को प्रैक्टिस करो और उसमें अपनी स्पीड को बढ़ा के चलो। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। चलो फटाफट मैच करो। अभी तक तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं इतने में तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी कर दिया होगा। वेरी गुड। यही तो हमारा मोटो है दोस्तों रणभूमि मैथ्स की, आपको हमेशा बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से सॉल्व करने का तरीका बताना है। तो देखिए ट्राइंगल, यहां पहले फिगर को मैच करिए। तो देखिए यहां एक अपर केस है, अपर एरो यहां भी है, तो अब वर्ड को मिलाइए। मोहन इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग। तो देखो अब यहां पर क्या हो जा रहा है मेरे भाई कि दो दो चीजें आपकी मैच कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर ये रेक्टेंगल भी है, यहां भी रेक्टेंगल है। तो अब आप बोलिए कि इज वॉकिंग, यहां तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि कहां किसका कौन सा होगा मेरे भाई। अब यही बात समझाना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, ध्यान से समझो। रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, इज है और ये अपर एरो वॉकिंग, और यहां भी अपर एरो और यहां है वॉकिंग। तो अब इसमें आप कैसे कहोगे कि रेक्टेंगल का मतलब इज है या रेक्टेंगल का मतलब वॉकिंग होगा? तो ये क्लियर तो नहीं कर पा रहे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे वाले यानी 2 और 3 को हम लोग मैच करके देखेंगे। तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है मेरे भाई, तो यहां देखो, यहां पर आपको एक डॉट दिख रहा है, यहां भी एक डॉट दिख रहा है, तो यहां से कुछ क्लियर होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो देखो राम इज वॉकिंग मोहन एंड राम, यानी कि देखो मेरे भाई ये डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट मिल रहा है तो राम राम मिल रहा है, क्लियर है। तो देखो इस ट्रायंगल का मतलब हो गया राम। तो अब क्या करेंगे देखो, अब अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि ट्रायंगल का मतलब एंड होगा कि प्लस का मतलब मोहन। तो चलिए अब हम 3 और 1 को मैच करेंगे। तो देखिए यहां ट्रायंगल दिया है, यहां भी ट्रायंगल दिया है, बाकी कोई भी फिगर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि अब मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूं इरेगुलर सा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिये यहां भी ट्रायंगल, यहां भी भैया ट्रायंगल है, अब मोहन इज वॉकिंग और यहां है मोहन एंड। तो देखो इससे तो क्लियर हो गया मेरे भाई कि यहां पर मोहन ही आएगा, आ गई बात समझ में, क्योंकि ट्रायंगल में यहां भी केवल मोहन ही दिया है। तो देखिए तो यहां तो हमने मैच कर लिया, अब देखो बहुत सारा अच्छा डिजाइन भी बन गया, खिचड़ी भी पक गई है। तो अब मेरे बच्चों अब आप मुझे ये बताओ जरा सा कि यहां पर रेक्टेंगल का मतलब इज होगा और या अपर केस का मतलब वॉकिंग होगा या इंटरचेंज मीनिंग होगा, ये भी तो अब आप समझ सकते हैं ना। तो अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो मेरे भाई यहां से तो ये हमें क्लियर हो गया। तो देखो मेरे भाई मोहन का तो कोड हमें मिल गया कि जब यहां हमें दोनों जगह जब ट्रायंगल ट्रायंगल मिला है तो मोहन मिल गया, यानी इसका कोड हो गया ट्रायंगल, एक आंसर तो मिल गया। तो चलो भैया अब थोड़ा सा मैं इसे और अच्छा कर देता हूं कि जो हमें मिल गया है उसे मैं चलिए अब आपको समझाने के लिए रब कर देता हूं। तो देखो ये हट गया, उसके बाद देखिए मोहन मिला है और राम और ये ट्रायंगल मिला है तो इसे भी मैं हटा देता हूं, तो देखो आपको मोहन भी मिल जाएगा, क्लियर है मेरे बच्चों। अच्छा उसके बाद देखो जब आपको डॉट डॉट मिल गया तो अब आप मेरे बच्चों बताओ यहां पर कि अब मैंने इसे रब कर दिया तो अब हमें क्या क्या और दिखने को मिल रहा है। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जो डॉट था तो उसका मतलब ये डॉट था तो राम राम हमें मिल गया, तो चलिए हमने राम को भी हटा दिया और इस डॉट को भी हटा दिया। यहां भी देखो इस डॉट को भी हमने हटा दिया और यहां से हमने इस यहां राम को भी हटा दिया। तो देखो सिंपल सी एक पिक्चर क्लियर हो रही है, यहां पर आपका लिखा हुआ था वॉकिंग तो ये हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो देखो अब यहां से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे एग्जाम में वहां पर आपको क्या क्या दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या है कि यहां पर देखो अब हम कह सकते हैं कि यहां इज है, यहां पर रेक्टेंगल के पास और यहां पर वॉकिंग है। तो अब देखो यहां पर देखो मेरे भाई क्या था, ये दोनों हमें मैच कर रहा है, तो अब आप कह सकते हैं कि यहां पर इसका कोड क्या होगा, इज का कोड हो जाएगा क्या? तो देखो यहां पर इज और वॉकिंग है तो यहां पर इज का कोड अपर केस एरो हो जाएगा,
ये भी आप कर सकते हैं। तो आ गई बात समझ में मेरे बच्चों, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। और मेरे बच्चों और एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जब भी ऐसा आए ना तो आप देखिए हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम रब कर सकते हैं, मगर आप रब नहीं कर पाओगे तो आप उसे कैंसल आउट कर सकते हो। तो ऐसे भी करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।